साल 2021 में धनिए की कीमतें नीचे में 5500 तक भी देखने को मिली थी, जो कि अब साल 2022 में 10,000 के भी पार पहुंच चुकी हैं। 2021 के मुकाबले 2022 में धनिए की कीमतों में लगभग दोगुना उछाल देखने को मिला है। जिस तरह से धनिए की कीमतों में उछाल आया है, उससे निवेशकों और कारोबारियों की उम्मीदें धनिए से और ज़्यादा बढ़ गई हैं। बात करें अगर फंडामेंटल्स की, तो धनिए के फंडामेंटल्स ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं। इस बार धनिए की बुआई कम हुई है, उत्पादन कम रह सकता है, एक्सपोर्ट डिमांड भी बढ़ने की उम्मीद है। धनिए पर बाजार के जानकार केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया का कहना है कि धनिए के फंडामेंटल्स में कुछ बदलाव आया है। पहले धनिए की पाइपलाइन बिल्कुल खाली थी, जो कि अब धीरे धीरे भरने लगी है। पहले रोमानिया और बल्गेरिया का धनिए का स्टॉक चल रहा था, लेकिन उसकी जो मात्रा है वो पूरे विश्व की डिमांड के लिए पर्याप्त नहीं है, जिससे एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। अजय केडिया की खाड़ी देशों के कुछ आयातकों से बातचीत भी हुई, जिस पर उनका कहना है कि शिपमेंट में पहले $900 की लागत आती थी, जो कि अब वर्तमान में बढ़कर $3200 की आ रही है। इसकी वजह से जब तक शिपमेंट की कीमतें सप्लाई के लायक नहीं बनती हैं, तब तक हो सकता है कि धनिए की डिमांड थोड़ी कम ही रहे, लेकिन एक्सपोर्ट डिमांड भी ज़रूर निकलेगी। धनिए की नई आवकों से हो सकता है कि थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिले और मार्केट थोड़ी नीचे जाए, लेकिन ओवरऑल रुझान धनिए में तेजी का ही रहने वाला है। अजय केडिया के अनुसार धनिया फरवरी के अंत तक या मार्च के शुरुआत तक 12,500 तक के स्तर दिखा सकता है। वहीं जून जुलाई तक 18,000 से लेकर 18,500 तक के भी स्तर धनिए में देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।